हाय फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप मेरी वीडियो पहले देख सकते। अब हम पहले बात करते हैं एक्रोमेटिक्स कलर्स के बारे में। एक्रोमेटिक्स कलर में हम सिर्फ ब्लैक, वाइट और ग्रे के ही टिंट्स और शेड्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सर्कल में आप देख सकते हैं कि ब्लैक के सब लाइट टोन और वाइट के सब डार्क टोन और ग्रे कलर इंक्लूड हो जाए। अब हम बात करेंगे मोनोक्रोमेटिक कलर्स के बारे में। मोनोक्रोमेटिक कलर्स में हम कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर रेड कलर यूज़ करके उनके टिंट्स और शेड्स किया है, पर हम कोई भी कलर यूज़ करके उनके टिंट्स और शेड्स करके मोनोक्रोमेटिक कलर्स बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेरी फाइल के बारे में। एक्रोमेटिक कलर्स ये मेरे उस टाइम का स्केच है जब मैंने फैशन डिजाइनिंग कम्प्लीट किया था। अब हम देखेंगे डेफिनेशन। दे आर लिटरली कलर्स विदाउट कलर। In other words, black, white and tints and shades of grey. Tints and shades, it means the tints is a lighter tone and shade is a darker tone. आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ ब्लैक, वाइट और ग्रे के ही टिंट्स और शेड्स है। यहाँ पर पहले हमने व्हाइट यूज किया है, उसमें ब्लैक एड करते करते उसका डार्कर टोन होता जा रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर फुल्ली एकदम ब्लैक टोन हो गया है, एक ब्लैक ही कलर है। और यहाँ पर लाइट लाइट करके ऊपर की तरफ लाइट होता जा रहा है, ए एक्रोमेटिक कलर। यहाँ इसमें हम और कोई कलर यूज नहीं कर सकते, ओनली ब्लैक, व्हाइट और ग्रे के ही शेड इंक्लूड होंगे। अब हम बात करेंगे मोनोक्रोमिक कलर के बारे में। मोनोक्रोमेटिक कलर्स Any colors and its tints and shades are called monochromatic colors. Monochromatic color में हम कोई भी color use कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने red color use किया है, लेकिन आप blue है, green है, कोई भी color use कर सकते हैं। जो और उनके ही टिंट्स और शेड्स, उसमें आपको व्हाइट मिक्स करके उनके लाइट टोन बनाने और उसमें ब्लैक ऐड करके उसका डार्क टोन बनाना है। और एक ही कलर का इस तरह से आप करेंगे तो ये मोनोक्रोमेटिक कलर्स हो गए। आप यहाँ पर मैंने जो स्केच किया है और कलर किया है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले व्हाइट कलर किया है, उसमें रेड किया है, ये दोनों एकदम लाइट टोन के रेड है और डार्क होते जा रहे, देख सकते हैं। और डार्क और डार्क, और यहाँ पर सिर्फ ब्लैक कलर नहीं है, लेकिन रेड में ब्लैक करके एकदम रेड का डार्क टोन बनाया है, आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको एक्रोमेटिक और मोनोक्रोमेटिक कलर की डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ में आई होगी। Thank you for watching. Thank you.